माशाल्लाह मैं बंगले पर बैठा हूँ और इधर मैं बादाम खा रहा हूँ, समझे। जितने भी लोग जो पूछ रहे हैं बोलो साहब है इस्लामाबाद में, सही है, असेंबली में आवाज़ उठा रहा है, गरीबों की आवाज़ उठा रही है, जितने भी डूबे हैं उनका मैं आवाज़ उठा रहा हूँ असेंबली में, समझो। हालांकि बैठा तो मैं घर में हूँ बंगले में, पर ऐसा समझो मेरी मोबाइल भी बंद है और मैं इस्लामाबाद में अभी असेंबली में बैठा हूँ, ठीक है। सही है, इधर क्यामत है बाहर, बंगले के बाहर हजार आदमी सुतल है, भूख पे रड़िया है, बोल रहे हैं जिसको हमने वोट दिया निकाल इसको बाहर। माजो साहब इस सब लाभ असेंबली में गया है चर्या। तुम्हारे को रखा किस लिए, इसीलिए तो रखा है, तो जो बात है मैं कहूँ वो उनको बताओ। देखो मैं अभी 2 महीने से निकला हूँ बाहर बंगले से, नहीं निकला हूँ। सही, डेंगू है, मत निकलना, मलेरिया है। मैंने पूरे बंगले को स्प्रे करा दिया है डेंगू वाला। डेंगू सारे बाहर भाग गया है। और जो कैंपों में उनको काटेगी और बीमारियां बीमारियां हो गया। अब हेल्थ के पैसे भी आएंगे और लोग खुशहाल होंगे। अब मैंने आप जैसे होंगे फिर भी खुशहाल होगी आसरा है। देखो हम किस धरती के, इधर है ना, इधर पैदा हुए ना, मरेंगे किधर। चाहे हमारे लंदन में हमारे बेटे हों, लंदन में पढ़ते हों, हम कुदर लंदन में इलाज कराएं, पर मरेंगे जब ना धरती अपनी में दफन होंगे। वो होंगे पर ऐसा काम करो जो जनाज नमाज पे आए कुल्हा भी दे। बाहर सभी पब्लिक रो रही है साहब। रोने दो रोने दो रोने दो। अब आए ना सोशल वर्कर आए ना, वो काम कर रहे हैं ना, ये जो फैलाई इधारे एनजीओ वाले दे रहे हैं ना, मिल रहा है ना। बाकी मुझे मत किसी लिए खाद दोगी ना, फिर मैंने तुम क्या चाहते हो कब दोगे बाकी, ये जो गंज पड़ा है। मसला ये है जानी मेरे प्यारे, जब ये एनजीओ वाले ये जो फैलाई इधारे है ये देकर खत्म हो जाएंगे, थक जाएंगे, ये बिल्कुल पसीना पसीना हो जाएंगे, माल खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम उठेंगे। आए है। हम उठेंगे, देंगे तो नजर आएगा। आए है। अब हम जो दे रहे हैं वो नजर नहीं आ रहा है, इसलिए मैं चुप हो गया। सियाणा है साहब, सियाणा है। सियासत है क्या, ये थकेंगे फिर ये गोठ आदमी जाएंगे, फिर उधर हम पहुंचेंगे फिर नारे लगवाएंगे, फिर देंगे इनको जब इलेक्शन भी नजदीक होगा। हाय हाय। और इलेक्शन से 20 दिन पहले ये मैं पीयूष जो पुट नया इतना माल दूंगा जो लोग खुश हो जाएंगे, फिर वोट ही वोट हो बड़ी मना भूल जाएंगे कि हम डूबे दर पदर हुए। बड़ा होशियार है भाई। देखो सियासत है किसका, सियासत ये है कि भाई अपना जो रिश्तेदार भाई सगा हो ना, उसको भी गोली मारो। हाँ। और हमारी सियासत चले। हाँ। क्योंकि लोगों में नाम है, इज्जत जो मिलती है वो बड़ी मुद्दतें बाद मिलती है साहब, मेहनत के बाद। साहब ये तुम बादाम खा रहे हो, भुगड़े खा रहे हो, अखरोट खा रहे हो, पिस्ते खा रहे हो, तो नहीं गरीब देखो इसको हाथ नहीं लगा। मतलब भुगड़ा खाऊं, जरासीम लगेगा बाबा, जरासीम लगेगा, मुझे बोलो भुगड़ा तो भुगड़ी दो जाम है। मतलब तुम बादाम खाओ, हमको पर्सनल को भुगड़े दो, बाकी जो आम 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 है। हाय 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 यार, मेरा साहब जिंदाबाद, वाकई सियासतदान है यार। ऐसे मुल्क में सियासतदान हो तो मना हवा हवा है। देखो अब जितनी भी टेंट आए वो सारे रख लो, 100 टेंट पूरे जो वॉशरूम वाली टेंट है ना, उसके साथ अटैच वॉशरूम भी है, वो रख लो। ये जब शार्ट हो जाएंगी, ये जब मामला खत्म हो जाएगा, एक साल के बाद ये टेंट हमारा 1-1 लाख में जाएगा, 12,000 का है। खा भुगना खा, गरीब भुख तो दे। हेलो जी जी, इस वक्त मैं इस्लामाबाद असेंबली में बोल रहा हूँ। गरीबों के मसले हैं, बड़ा दुख हुआ है हमें, मैं रो रहा हूँ, ये देखो। ये आंसू है मेरे आंखों में, बड़ा दुख हुआ है हमारे को। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और खुदा के वास्ते ऐसे नहीं करो जैसे ये कर रहा है। क्या बोल रहा है, ऐसे नहीं करो, खा मेरा राय, बातें दूसरों की कर रहा है। सच्ची तो बोलूंगा ना साईं।